कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री चौथा अध्याय। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है। अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस, जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। और उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है, जो विश्वास योग्य और प्रिय भाई और तुम ही में से है। ये तुम्हें यहां की सारी बातें बता देंगे। अरिस्तर्खुस, जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस, जो बर्नबा का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना, और यीशु, जो यूस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण रहे हैं। इपफ्रास, जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरा पुलिस वालों के लिए बड़ा यत्न करता रहता है। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। लौदीकिया के भाइयों को और नुम्फास और उनके घर की कलीसिया को नमस्कार कहना। और जब यह पत्र तुम्हारे यहां पढ़ लिया जाए तो ऐसा करना कि लौदीकिया की कलीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। फिर अर्खिपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है उसे सावधानी के साथ पूरी करना। मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना। तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन।